उचित यही होगा कि हम पूर्णतया सावधान रहते हुए एक साथ आगे बढ़ें, जिससे कि यदि कोई हम पर आक्रमण करे तो हम संगठित शक्ति के साथ उसका सामना कर सके। युवराज अंगद, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं यहाँ सबका नेतृत्व करूं? ये तो बहुत अच्छा होगा हनुमान जी, आपके नेतृत्व करने से आपके अनुभव और आपकी बुद्धिमत्ता का लाभ हम सबको होगा। सतर्क रहो, सजग रहो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए। सुरंग का द्वार तो स्वतः बंद हो गया। स्वतः बंद नहीं हुआ है, बंद किया गया है। हनुमान जी, आपकी आशंका सत्य थी, ये किसी की चाल है हमें फंसाने के लिए। जो भी हो, हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पूर्ण सतर्कता और शीघ्रता के साथ सुरंग के दूसरे छोर की ओर बढ़ना होगा। हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो साथियों, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। जय श्री राम। प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही हमारा पथ प्रदर्शित करेगी, हमें कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाई देगा। जय श्री राम। ये गुफा देखा, यही है प्रभु श्री राम के नाम की महिमा। गुप्त गुफा का द्वार प्रदर्शित हो गया हमारे समक्ष। चलो देखते हैं वहां पर, कदाचित हमें वहीं से माता सीता के बारे में कोई संकेत प्राप्त हो। घोर अंधकार के पार मुझे जो उजाला दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है कि वही एक छोटी सी आशा की किरण है। जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगी। किंतु हनुमान जी, इस सुरंग के उस पार कोई संकट भी तो हो सकता है। अंगद, संकट से जो भयभीत हो जाए वो योद्धा कैसा? इस सुरंग से निकलने वाले पक्षियों को नहीं देखा? कितने सुंदर, स्वस्थ और स्फूर्ति से भरे हुए थे। अर्थात ये युवराज कि इस सुरंग के भीतर अवश्य ही जल का स्रोत है, भोजन योग्य सामग्री जैसे फल वाले वृक्ष आदि हैं, जहां जाकर हम सब अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हैं।
जल पीकर प्यास बुझा सकते हैं। फिर नवीन ऊर्जा के साथ हम पुनः माता सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। हनुमान सत्य कह रहे हैं अंगद, भय हमें रोकता है पुत्र, किंतु आशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और जो आगे बढ़ता है विजय उसी की होती है। चलो साथियों देखते हैं। प्रतीत हो रहा है जैसे कोई है भीतर। रुक जाओ सब, मुझे कुछ आभास हो रहा है, जैसे अंधकार में कोई छिपकर हमारे भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा है। हो सकता है ये हमें फंसाने के लिए किसी की चाल हो, किंतु भीतर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प भी तो नहीं है। हाँ हनुमान जी, हम पीछे नहीं हट सकते अब, क्योंकि हर एक स्थान पर हमें सीता माँ को ढूंढना है। हाँ अंगद, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा, किंतु उचित यही होगा कि हम पूर्णतया सावधान रहते हुए एक साथ आगे बढ़ें, जिससे कि यदि कोई हम पर आक्रमण करे तो हम संगठित शक्ति के साथ उसका सामना कर सके। युवराज अंगद, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं यहाँ सबका नेतृत्व करूं? ये तो बहुत अच्छा होगा हनुमान जी, आपके नेतृत्व करने से आपके अनुभव और आपकी बुद्धिमत्ता का लाभ हम सबको होगा। आगे बढ़ो साथियों। सतर्क रहो, सजग रहो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए। सुरंग का द्वार तो स्वतः बंद हो गया। स्वतः बंद नहीं हुआ है, बंद किया गया है। हनुमान जी, आपकी आशंका सत्य थी, ये किसी की चाल है हमें फंसाने के लिए। जो भी हो, हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पूर्ण सतर्कता और शीघ्रता के साथ सुरंग के दूसरे छोर की ओर बढ़ना होगा। हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो साथियों।
अच्छा तो ये है पाषाण देहधारी मायावी दानव। ये तो भयानक दानव है, हमें जाना होगा यहाँ से। यहाँ भी दानव और इधर भी। यहाँ भी दानव और इधर भी। भयभीत मत हो साथियों, हम इन दानवों का सामना सहजता से कर लेंगे। हमें शीघ्र यहां से निकलना होगा। यहां तो चारों ओर दानव हैं। दानवों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि यहां पर और भी दानव हैं। भयभीत मत हो साथियों, किसी को कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर इन दानवों का सामना करेंगे। प्रभु श्री राम का नाम हमें इन दानवों पर विजय दिलाएगा। और हो सकता है हमें इसी गुफा से माता सीता को ढूंढने का कोई संकेत मिले। इस गुफा में प्रवेश संकेत है तुम सबकी मृत्यु का। सामना करो इन दानवों का। संकट का सामना करने से ही संकट पर विजय पाओगे। कोई नहीं भागेगा। जवानर, सामना करोगे हम पाषाण दानवों का? पाषाणों में पीस कर चटनी बना देंगे, खा जाएंगे हम पाषाण दानव तुम तो जवानरों को। मूर्ख दानव, ये तुच्छ वानर नहीं किष्किंधा के महाबली महापराक्रमी योद्धा हैं। जय हो तुम्हारी बजरंग।